वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी फर्स्ट से चैप्टर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि आगे हम डिस्कस करें, बता दें फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे रेड कलर का बटन है, पहुंच जाइए, उसको दबा देंगे, साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा द्वारा अपलोड वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो एज यू नो दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल मोनेरा, जो जितने भी मोनेरा में आते हैं वो सभी सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, बीजीए है, पीपीएलओ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, तो ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन की इनमें बहुत अधिक कैपेसिटी होती है यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले, ये फास्टर और रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिफरेंट शेप में और डिफरेंट साइज़ में पाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, वेसलस होते हैं जो रॉड लाइक होते हैं बैक्टीरिया, और जो कॉकस हैं वो स्पेरिकल शेप हैं, वाइब्रियो जो कि कोमा शेप हैं, और स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टॉपिक ये है कि ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनमें सभी में सेल वॉल पाई जाती है, एक एक्सेप्शन है जो कि माइकोप्लाज्मा है। आप इसको याद रखिएगा, जो एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो है माइकोप्लाज्मा। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में होगा। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड एंड नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड रहता है, किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन से ये नहीं रहता है एनवेलप्ड। फिर हम बात करते हैं कि जो जीनोमिक डीएनए है सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि जो डीएनए है वो सर्कुलर है और जो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर आउटसाइड डीएनए, द जो मैन डीएनए होता है उसके अतिरिक्त एक अलग डीएनए होता है, दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो याद रखिएगा कि जो मैन डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए होता है बैक्टीरिया में उसको प्लाज्मिड कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स कंटेन यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर ऑफ सच बैक्टीरिया, तो ये यूनिक करेक्टर होता है बैक्टीरिया का। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इन हायर क्लास अब जब हम स्टडी करेंगे प्लाज्मिड का, किस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद फॉरेन डीएनए से। चलिए तो हम जान लेते हैं कि मीजोसोम जो स्ट्रक्चर होता है, मीजोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो मीजोसोम है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्पेशल मेम्ब्रेन में जो इस एक तरीके से जो इनफोल्डिंग बन जाती है सेल मेम्ब्रेन में और मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक्स। तो जो मीजोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक्स का करेक्टर शो करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, अब हम बात करते हैं राइबोसोम की, राइबोसोम पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक्स दोनों में भी, ठीक है। तो साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनेल्स, या यानी कि जो ऑर्गेनेल्स हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने इतना डिस्कस कर लिया है। फिर हम बात करते हैं कि सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है, इन्वेलप होता है बैक्टीरिया का यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो थ्री लेयर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। इसके बाद सेल वॉल है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है देखते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप्स, यानी कि सेल इन्वेलप्स में डिफरेंस
है, और साथ ही साथ में मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टैन, और किस तरीके से वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया को हमें यहाँ पे क्लासिफाइड किया है दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेल इनवॉल्व्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टैन। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्राम स्टैन होंगे, ठीक है, टेकअप करेंगे स्टैन को, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और साथ ही साथ में जो डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी दैट इज़ नॉन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो होप करते हैं फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन क्लिक ऑन राइट लाइक बटन, एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर टू, देन यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव अप योर कमेंट ऑन द कमेंट सेशन फॉर द फर्दर वीडियो। आई विल इन्हेंस इन दिस मैनर एंड आई पुट यू बेटर एंड बेटर कंटेंट फॉर यू ऑल। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।